एक समय हुआ करता था जब स्कूल में हमें मार पड़ती थी तो हम अपनी मार को छुपाते थे, लेकिन यदि घर वालों को पता लग जाए तो वो कहते थे कि दो ही लगे और लगाने चाहिए थे। वो शायद समय कुछ और था, जब शिक्षक डांटता था तो घर वाले खुश होते थे कि किसी गलती पर शिक्षक ने डांटा है और ज़्यादा डांटना चाहिए था। पेरेंट्स कहते थे कि हम स्कूल में जाएंगे, वहाँ पर कहेंगे कि इसे दो की जगह चार लगाओ, ये गलती करता है, शरारती है और इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन अब समय बदल चुका है और सीधे तौर पर कहूँ तो शिक्षक बदल चुके हैं और उन्हें बदलने के पीछे हमारा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब शिक्षक बच्चों को डांट नहीं सकता। शिक्षक जो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो जहां पर बच्चे को प्यार की पुचकार की ज़रूरत है वहां पर उसे वो मिलना चाहिए, लेकिन जहां पर उसे डर की ज़रूरत है, जहां पर उसे डांट की ज़रूरत है, उसे वो मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि ज़िंदगी में सुख है तो दुख भी होने चाहिए, तभी एक सर्वांगीण विकास बच्चे का होता है, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब शिक्षक बदल चुके हैं और इसमें शिक्षकों की गलती नहीं है, इसमें गलती हम लोगों की, पेरेंट्स की, बच्चों की। पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे या तो शिक्षक को भला बुरा कहने लग जाते हैं या फिर सीधा थाने पहुंच जाते हैं और आए दिन इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। और अब बच्चे भी वो बच्चे नहीं रहे, अब बच्चे टीचर्स पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया है, इस तरह के भी मामले सामने आते हैं। पहले समय हुआ करता था जब खौफ होता था और मार पड़ती थी तो हम घर पे नहीं बताते थे, लेकिन अब यदि किसी ने हल्का सा भी डांटा तो वो सीधा घर में जाएगा और घर वाले सीधा उठकर स्कूल पहुंच जाएंगे, शिक्षक को भला बुरा कहेंगे। देखिए, यहाँ पर माँ बाप को भी समझने की ज़रूरत है कि शिक्षक सदैव एक बच्चे का भला ही चाहता है और उसे उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर। और यदि कोई मानसिक रूप से बीमार हो शिक्षक, वो अलग बात है, लेकिन यदि कोई ठीक ठाक जिसका सही दिमाग है, जो सही चेतना में है, वो एक बच्चे का भला ही चाहता है, तो ऐसे में ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। आज शिक्षक दिवस है इसलिए वो पुरानी बातें याद आ गई कि हम कैसे हुआ करते थे, कैसे मार खाया करते थे और अब क्या समय आ चुका है। तो शिक्षक वैसे नहीं बदले, बदले पेरेंट्स हैं, बदले बच्चे हैं और बदले हमारे संस्कार है, इसलिए शिक्षकों को खुद बदलना पड़ा है। इसलिए शिक्षक भी अब कतराते हैं, डरते हैं कि यदि कुछ कह दिया या डांट कर दी या हाथ उठा दिया तो ना जाने कौन सा बवाल खड़ा हो जाएगा। तो शिक्षकों को मैं शत शत नमन करना चाहूँगा। शिक्षक एक ऐसी, मैं कह सकता हूँ, विभूति होती है ज़िंदगी में जो हमारा जीवन बना देती है, यदि हम शिक्षक की सही राह पर चले। तो आप सभी शिक्षक जितने भी हमें अभी देख रहे हैं, आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शायद आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, जिन्हें बुरा लगा उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा मांगना चाहूँगा, लेकिन ये मेरे व्यक्तिगत विचार थे।